हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। लास्ट की वीडियो में हमने समझा था कि निविन नंबर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि स्पाई नंबर क्या होता है या स्पाई नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे पता चलता है कोई नंबर स्पाई नंबर है या नहीं है। पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो 10th बोर्ड और 8th और 9th के एग्जाम्स में आता है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, चेक एंड प्रिंट whether the given number is a spy number or not। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूं कि spy number होता क्या है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 1, 2, 4। पहले हमें क्या करना है, इसकी एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है और सारी डिजिट का सम करना है, 1 + 1 + 2 + 4, और इन्हीं सारी डिजिट का प्रोडक्ट भी करना है, 1 × 1 × 2 × 4। देखिए 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, टोटल आ रहा है 8। 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 2 × 4 = 8। यानी कि इसकी डिजिट्स का सम और प्रोडक्ट अगर दोनों इक्वल आएगा तो बोला जाएगा कि ये एक स्पाई नंबर है। तो अब इसकी वर्किंग हम जावा में कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे स्पाई नंबर्स होते हैं। 123 इज ऑल्सो अ स्पाई नंबर, 1124 इज ऑल्सो अ स्पाई नंबर, और ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं। मैंने यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब देखिए जावा में हमेशा मैंने बताया है स्टार्टिंग क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो हमारे पूरे प्रोग्राम को डिफाइन करे, तो मैंने क्लास को नाम दिया है स्पाई। उसके बाद कर्ली ब्रेस लगाया जाता है, ब्रेस लगाने के बाद मेन फंक्शन वॉइड मेन लिखा जाता है। वॉइड मेन क्या करता है, हमारे पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा जाता है वो चीज जो यूजर इनपुट करे। अब हमारे क्वेश्चन में था राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, तो हमें पता है कि यूजर ने एक नंबर इनपुट करना है, तो मैंने उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया एन, कौन से डेटा टाइप का, इंटीजर डेटा टाइप का, ताकि यूजर अपनी वैल्यू इनपुट कर सके। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होता है, आपको वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो आपके पूरे प्रोग्राम को डिफाइन करें या उसको पूरी प्रोसेस करने में हेल्प करें। तो यहां पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, r s = 0 p = 1। देखिए r क्या करेगा, एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। s = 0 क्या करता है, हर एक जो हम डिजिट का सम करेंगे वो s में स्टोर कराएंगे। अब p = 1 इसलिए लिया है, जो डिजिट्स का प्रोडक्ट कराएंगे उसको p में स्टोर कराएंगे। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि p = 1 क्यों लिया है, p = 0 क्यों नहीं लिया। देखिए जब आप किसी भी डिजिट का प्रोडक्ट p से कराएंगे, तो अगर p में मैं 0 ले लूंगा तो आप किसी भी डिजिट का अगर प्रोडक्ट कराते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट 0 ही आएगा। इसलिए प्रोडक्ट के केस में हमेशा वैल्यू 1 ली जाती है इनिशियली, और सम के केस में हमेशा इनिशियल वैल्यू 0 ली जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया है 123, चेक करते हैं कि क्या वो स्पाई नंबर है या नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 123, मान एस यहाँ पे इनिशियली हमारा 0 है, पी 1 है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। 123 इज नॉट इक्वल टू 0, ये व्हाइल का लूप है जिसमें हमारा सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा। देखिए While 123 is not equal to 0, condition true है, 123 0 के equal नहीं है, अंदर आएंगे। R is equals to n modulus 10, मैंने modulus के केस में हमेशा बताया है जब remainder होता है, जो remainder आता है उसी को हम ऐसा output लेते हैं। जब आप 123 को 10 से modulus करेंगे तो आपका remainder 3 आएगा, तो आपकी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में S is equals to S plus R, S की वैल्यू इनिशियली क्या है आपकी 0, आर की वैल्यू क्या है 3, तो 0 + r कितना हो गया, 0 + 3 कितना हो गया 3, तो s में 0 कट के 3 आ जाएगा। उसके बाद p = p × r, p की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, r की क्या है 3, 1 × 3 = 3, तो p में 1 कट के 3 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएंगे n = n/10, जब जैसे जैसे नंबर डिजिट एक्सट्रैक्ट हो रही है नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, तो जब 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन 12 आएगा, तो आपकी एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। इसके बाद आप यहां से वापस ऊपर जाएंगे इधर और चेक करेंगे क्या 12 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे।
आर इज इक्वल्स टू 12 मॉडुलस 10। जब आप 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब नीचे आएंगे, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आर, एस की वैल्यू क्या है 3 है, आर की वैल्यू क्या है 2 है, 3 प्लस 2 एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये मैं लिख दी 5। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, पी इज इक्वल्स टू पी इंटू आर, पी की वैल्यू क्या है 3 है, आर की वैल्यू क्या है 2 है, 3 इंटू 2 पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय 10। जब आप 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन 1 आएगा, तो आपकी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहां से वापस ऊपर जाएंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अंदर आएंगे, आर इज इक्वल्स टू 1 मॉडुलस 10। अब 1 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड ही नहीं होगा, तो मैंने मॉडुलस के केस में हमेशा बताया है जो डिजिट बचती है हम उसे ही ऐसा रिमाइंडर मान लेते हैं, तो आर में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 2 कट के 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आर, यानी कि एस की वैल्यू क्या है 5, आर की वैल्यू क्या है 1, 5 प्लस 1 एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ये 5 कट के 6 आ गया। अब नीचे आएंगे, p इज इक्वल्स टू p इंटू आर, p की वैल्यू क्या है 6, r की वैल्यू क्या है 1, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, तो p 6 कट के 6 ही रहा, ठीक है। अब नीचे आएंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10। अब जब आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो आपकी n की वैल्यू 1 कट के कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आप वापस ऊपर जाएंगे, क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आप ये व्हाइल के लूप से बाहर आ जाएंगे, यहां पे इफ पे आ गए। अब आप यहां पे चेक कराएंगे स्पाई नंबर की कंडीशन, स्पाई नंबर की कंडीशन क्या होती है, s इक्वल इक्वल बी, यानी जो डिजिट्स का सम आया है और जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है क्या वो इक्वल है, तो s की वैल्यू आपकी कितनी है ये 6, p की वैल्यू कितनी है 6, क्या 6 इक्वल इक्वल 6 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो यानी कि ये स्पाई नंबर है, स्पाई नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जहां पे मैंने आपको दिखाया कि ये स्पाई नंबर होता है, एक एग्जांपल और लेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चले क्या चीज स्पाई नंबर नहीं होती, तो देखते हैं उसे। देखिए मान लेते हैं, अब एक नंबर ले लेते हैं 234, मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया है 234, चेक करते हैं क्या 234 स्पाई नंबर है या नहीं है, यहां पे डाल देता हूं मैं 234, आर एस हमारा इनिशियली 0 हो गया, पी 1 हो गया। अब सबसे पहले चेक करेंगे क्या 234 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा आर इज इक्वल टू 234 मॉडुलस 10। जब आप 234 को 10 से मॉडुलस करेंगे तो आपका रिमाइंडर 4 आएगा, तो आर में क्या स्टोर हो गया 4 हो गया। नीचे आएंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस आर, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 4, 0 प्लस 4 एस में स्टोर हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप आएंगे, पी इज इक्वल टू पी इंटू आर, पी की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है 4, तो 1 इंटू 4 पी के कट के क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 4। नेक्स्ट स्टेप आएंगे, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, जब आप 234 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो 23 आएगा, तो आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। अब ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे क्या 23 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे r इज इक्वल टू 23 मॉडुलस 10। जब आप 23 को मॉडुलस करेंगे 10 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर 3 आएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आर, अब जब एस की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, आर की वैल्यू क्या है 3 है, 4 प्लस 3 एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। नीचे आएंगे, एन इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू पी इंटू आर, पी की वैल्यू क्या है 4, आर की वैल्यू क्या है 3, 4 इंटू 3 पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। यहां से वापस ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे क्या 23 इज नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं, पहले यहां पे हम वापस आएंगे, यहां पे मैं एक स्टेप मिस कर गया, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, पहले आप 23 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन कितना आएगा, आपका क्वेश्चन 2 आएगा। अब आप ऊपर जाएंगे, वापस ऊपर गए, अब चेक करेंगे क्या 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर आएंगे r इज इक्वल्स टू 2 मॉडुलस 10,
अब देखिए यहाँ पे जब आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस में हमें रिमाइंडर चाहिए होता है, तो जब डिवाइड ही नहीं होगा तो जो डिजिट है वो ही हम एज अ रिमाइंडर आउटपुट ले लेंगे। तो हमारी एन की वैल्यू क्या है 2, तो आर में क्या ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप आएंगे एस इजिकल्स टू एस प्लस आर, यानी एस की वैल्यू क्या है 7, आर की वैल्यू क्या है 2, 7 प्लस 2 एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आएंगे पी इजिकल्स टू पी इंटू आर, 12 इंटू 2, देखिए P की वैल्यू 12 है, R की वैल्यू 2 है, 12 इंटू 2 24, ये आ गए हम 24 पे। नेक्स्ट स्टेप आएंगे N इज इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय 10, जब आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका 0 हो जाएगा, तो N की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। आप यहां से वापस ऊपर जाएंगे चेक करेंगे क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप सीधा वाइल के बाहर आ गए। अब आप इफ कंडीशन जो कि स्पाई नंबर की कंडीशन होती है उसको चेक करेंगे, आपकी एस की वैल्यू कितनी आई है 9, पी की वैल्यू कितनी है 24, तो आप चेक करेंगे क्या 9 इक्वल 24 है, कंडीशन हो गई फॉल्स, ये इस बार आपकी फॉल्स है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा नॉट अ स्पाई नंबर। मैसेज आप अपने हिसाब से दे सकते हैं दैट इट इज अ स्पाई नंबर, इट इज नॉट अ स्पाई नंबर, वो आपके ऊपर है। एक इंपॉर्टेंट चीज, आप SOPLN यूज नहीं कर सकते, आपको हमेशा system.out.println यूज करना है, ये चीज एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगी, या अगर आप कंप्यूटर में भी इसकी वर्किंग करेंगे तो ये रन नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको स्पाई नंबर क्लियर हो गया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। हैव अ गुड डे।